तो आखिर वो क्या रीजन है जिनकी वजह से डीसी यूनिवर्स की वंडर वुमेन मार्वल यूनिवर्स के थेना को एक फाइट में हराने का पोटेंशियल रखती है? तो चलिए आज इसी बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को मैंने इनके डिटेल्स शोडाउन वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, तो इसे देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए अब जानते हैं कि वंडर वुमन आखिर किस वजह से थेना को एक फाइट में हरा सकती है। तो जैसा कि थेना एक इटर्नल है और वंडर वुमन एक डेमिक गॉडेस है, तो दोनों के पास एक काफी ज्यादा पावर है और दोनों वॉरियर भी हैं और दोनों ही कॉम्बैट स्किल्स में एक्सपर्ट है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो इन सब में मैं कहूंगा कि वंडर वुमन इजीली थेना को कम्पीट कर सकती है और उसे अच्छी खासी टक्कर देने के साथ ही उसे ओवरपावर भी कर सकती है, क्योंकि वंडर वुमन ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर सुपरमैन एंड डूम्सडे और स्टीपनवुल्फ जैसे कैरेक्टर से फाइट कर चुकी है। यहाँ तक कि उसने डूम्सडे जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। अपनी शील्ड और अपने ब्रेसलेट की मदद से वो थेना के द्वारा किए गए हर अटैक को ब्लॉक करने में कैपेबल है। वह अपने स्पीड की वजह से थेना के कई सारे अटैक्स को डॉज भी कर सकती है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो वंडर वुमन की एबिलिटी है उसके ब्रेसलेट की मदद से वो उसे काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि थेना के द्वारा किए गए अटैक्स या फिर किसी भी एनर्जी अटैक को वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लेगी। और ब्रेसलेट की मदद से किए गए जो अटैक है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है, जो कि थेना को काफी ज्यादा हर्ट भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा थेना के पास एक्सपीरियंस बेसिक वंडर वुमन के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि थेना 7000 साल की है लगभग, तो वही वंडर वुमन 5000 साल की। लेकिन तब भी थेना ने अब तक मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में ऐसा कुछ खास नहीं किया है जो कि उसे वंडर वुमन के लेवल पर ला सके। जैसे देखा जाए तो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में जितना हमने थेना को देखा है उसके अकॉर्डिंग थेना ने कई सारे डेवियंट्स को मारा है, लेकिन अगर वही वंडर वुमन की बात की जाए तो वंडर वुमन ने कई पैराडिमंस को मारा है, एरिस के साथ फाइट करके उसे अच्छी खासी टक्कर दी और उसे आखिरकार हराया और मार भी दिया था, वो भी उसी का पावर्स का यूज करके। अब रही बात वेपन्स की, कि थेना कई तरह के वेपन्स को क्रिएट कर सकती है जिनकी मदद से वो वंडर वुमन के ऊपर अटैक भी कर सकती है और वंडर वुमन को इंजर्ड या फिर हर्ट कर सकती है, लेकिन वंडर वुमन को हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि थेना जितने भी वेपन्स क्रिएट करेगी वंडर वुमन उन्हें अपने ब्रेसलेट या फिर अपने शील्ड की मदद से इजीली ब्लॉक कर सकती है या फिर अपनी स्पीड से डॉज भी कर सकती है। और वंडर वुमन के ऊपर अगर एनर्जी अटैक किया जाए तो उसका भी वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट की मदद से काउंटर पार्ट रेडी कर सकती है, लेकिन अगर वंडर वुमन अपने गॉड किलर स्वॉर्ड या फिर अपने ब्रेसलेट की मदद से मैसिव डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दे तो थेना शायद उसे नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ के मामले में अगर कम्पीट किया जाए तो वंडर वुमन इकरिस के जितने ही स्ट्रॉन्ग है और इकरिस का सामना ज्यादा देर तक थेना भी नहीं कर पाई थी, लेकिन वंडर वुमन इकरिस को भी हराने में कैपेबल है स्ट्रेंथ के बेसिस पर। तो यहाँ पर वेपन्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी की वजह से वंडर वुमन थेना को हरा सकती है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वंडर वुमन वर्सेस थेना के बीच होने वाली फाइट की विनर हमेशा वंडर वुमन ही रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि वंडर वुमन इस फाइट को क्यों जीत सकती है? अगर कोई और रीजन हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही इनका डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में है, आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। साथ ही अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, बिकॉज You are super BNP. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.